so hello students how are you all so we are back finally finally after a long time all right so today we are going to do 4.2 exercise okay and in 4.2 exercise i'm following from ml agarwal as you all know and if you already completed that 4.1 exercise then you will going to understand it better but if you didn't finish that 4.1 exercise then just go and finish stay first then come to 4.2 i'm not going anywhere. i'm just waiting for you over here. okay, i hope the mic is right now. okay, don't want to be the guzni right now. so let's start. 4.2 exclusively right now. so in this 4.2, what we will have, i'm just going to do very first one that is from factorization 1 part 1. okay. In this one part one, what we can do? All right, let's let me fix it a little bit. Wait a minute. Okay, so we just got a new layer over here. Let's go. So one part one. फिर से first forward हो जाएगा जब सम लिख रहा हूँ. X square. All right, so that's it. We got the sum right now. क्या करना है? मुझे कामुल लेना है. But 4.2 है. थोड़ा-थोड़ा upgrade थो तो हो ही गया होगा. All right, तो upgrade क्या हुआ है देखते हैं. याद करो इन 4.1 इंडिविजुअली हर एक से कॉमन ले रहा था मैं बट इन 4.2 पॉइंट टू वी आर नॉट इंडिविजुअली टेकिंग कॉमन इन दिस काइंड ऑफ केसेस वी आर जस्ट टेकिंग कॉमन इन ऑल दिस थोड़ा कैमरा रोटेट कर लू मैं थोड़ा सा ओके वी आर जस्ट मेकिंग अ ग्रुप ऑफ अयर ऑ राइट सो लेट मी मार्क विथ अनादर कलर ऑफ अयर नहीं तो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को देखो यहां पर मैंने क्या बोला वी नीड टू मेक इट अ ग्रुप ग्रुप करना है मुझे सो so, ग्रुप में क्या नजर आ रहा है ऑलवेज द ग्रुप शुड बी इन टू पेयर देखो फर्स्ट दो सेकेंड दो ऐसे ही होता है अगर नहीं हुआ तो हम लोगों को रीअरेंज करना होगा बट पहले क्या देखूंगा दैट फर्स्ट टू सेकेंड टू दो मस्ट बी ग्रुप इफ नॉट देन वी विल थिंक अबाउट दैट लेटर सो कमिंग टू द फर्स्ट वन दैट इज यू कैन सी दैट फ्रॉम दिस टू वी नीड टू परफॉर्म द कॉमन वंस सो कॉमन ले लो क्या जाएगा एक्स चला जाएगा चलो क्या फर्स्ट में दोनों में देखा मैंने एक्स इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी इन द सेकेंड वन सो आई टूक दैट एक्स एंड फर्स्ट में क्या रहेगा दो एक्स था एक एक्स रहेगा सेकेंड में तो एक्स नहीं रहेगा और देखो अभी वाई का बारे में बात करो वाई तो दोनों में नहीं है इवन फर्स्ट में तो नहीं है दोनों में एक है so as you can see whenever the y is not present or any variable are not present in any of those terms then we can take it as common factor okay so that will be the first common factor now coming to the second one the second one mecahelo dejo minus x minus y So common to nina's area but still one thing you can take as common that is the sign itself देखो माइनस वन कॉमन ले सकते हो दोनों से कॉज माइनस वन अगर तुम ऐसे सोचोगे दैट x प्लस वाई वहां पर रह गया तुम बोलोगे सर ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया ये वाला देखो माइनस वन तुम x से एक बार मल्टीप्लाई करो y से एक बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वाई तो आएगा ना सो दैट इज वट वी आर जस्ट लुकिंग फॉर हियर एज यू कैन सी माइनस इज द कॉमन फैक्टर तो माइनस तो ओनली हम लोग नहीं लेते उसके साथ माइनस वन लेते बिकॉज हम लोग ये मान के ही चलते हैं दैट माइनस वन इज जस्ट मल्टीप्लाइड विथ बोथ ऑफ दिस दैट इज हाउ वी आर जस्ट टेकिंग एस कॉमन फैक्टर सो दैट्स इट फॉर द माइनस पार्ट नाउ लेट्स लुक फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट तो अभी देखो ग्रुपिंग फ्रूपिंग सब खत्म हा अभी एक असली काम आएगा एक्स प्लस वाई एंड देखो यहां पर भी एक्स प्लस वाई है जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आता तो वो लेट एक्स प्लस वाई कॉल टू जेड ले सकता है बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एनी मोर जो कर सकता है वो ऐसे करो सिंपल हो जाएगा अच्छा जो ऐसे डायरेक्टली कर सकता है आई विल रिकमेंड यू टू प्रैक्टिस इट डायरेक्टली पहले पहले वो कॉमन लेकर कर सकते हो बट स्टिल प्रैक्टिस इट लाइक दिस तो देखो दोनों में से अगर तुम x प्लस वाई कॉमन लोगे तो पहले में बचेगा दैट इज x एंड इन सेकेंड इट विल गेट एज माइनस वन सो इसीलिए मैंने बोला था माइनस साइन ऑनली मथ लिखो माइनस वन लिखो ताकि समझ में आए कि जब कॉमन लोगे सो व्हाट विल गोइंग टू रिमेन ओवर देयर ओके सो एज वी गॉट अवर हि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वन एंड बिंगो दैट इज अवर आंसर दैट्स इट वी जस्ट फैक्टराइज दिस वन Okay, so I hope you got the idea. So right now, let's just remove this one. Chalo. Boom. So this one is completed. Now moving for another one. Let me check. Um three part two karte chalo. Three part two. Face a fast forward. Three part two make XSQ. Alright, so we have the

एक्स को देखना होगा इन दोनों में x तो तो को निकालो तो दो निकाल लिए पहले क्या बचेगा that is x and second से तो कुछ नहीं बचेगा ओनली थ्री के सिवा बस काम खत्म उसके बाद नेक्स्ट टर्म में देखो कुछ करना ही नहीं होगा इट इज प्लस एक्चुअली प्लस वन है ये दिमाग में रखना ना लिखो तो भी ठीक है बट दिमाग में रखना कि प्लस वन है सो एक्स माइनस थ्री तो मैं यहां पर वन लिख दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए देखो प्लस वन तुम एक्स के साथ एंड विथ एक्स मतलब माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो सो व्हाट यू विल गेट एक्स माइनस थ्री दैट्स इट तो इसी तरीके से ही सोच रहा हूं यहां पर दिस वाट यू विल गेट एज यू कैन सी एक्स माइनस थ्री एंड एक्स माइनस थ्री बोथ आर कॉमन फैक्टर राइट नाउ तो दोनों को निकालो पूरा पकड़ो और निकालो यहां से चलो निकलो सो एक्स माइनस थ्री निकल गया तो क्या बचेगा दैट इज एक्स स्क्वायर एंड वन पॉजिटिव साइन सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस इट विल बी वन सो बिंगो

हो गया काम सेकेंड दोनों से भी वही सेम काम उसके बाद तुम देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारा फैक्टराइजेशन का हाफ पार्ट कंप्लीट जहां पर तुम्हें दिख जाएगा दैट विच पार्ट यू हैव टू टेक एज अ कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम सो दैट व्हाट वी डिड ओवर ओ विच एस गॉट द आंसर और राइट सो ये वाला खत्म चलो दूसरा को एक करते हैं अच्छा कमिंग टू फाइव पार्ट वन इंपॉर्टेंट है फाइव पार्ट वन चलो फिर से फास्ट फॉरवर्ड तो तुम लोग एक बार सोचो कमेंट में मुझको लिखो अभी लिखो कमेंट में के क्या होगा यह वाला वन माइनस ए माइनस बी प्लस ए भी है तो ग्रुपिंग तो होगा पहले राइट कौन सा ग्रुपिंग होगा फर्स्ट टू सेकेंड टू वट इज योर आइडिया पॉज करो अभी लिखो कमेंट में तुम लोग चलो आई होप लिख चुके हो गए यहां पर लिखता हूं मैं वन माइनस ए दैट इज फर्स्ट वन जैसा है वैसा रहने दो ना इसको, इसको लेकर तो क्या कर रहा हूं यहाँ पर माइनस बी आई एम टेकिंग द कॉमन फैक्टर माइनस बी तो माइनस बी को ही, अगर कॉमन ले गोगे तो फर्स्ट वाला में क्या बचेगा कुछ नहीं दैट मीनस वन बचेगा सो so, वन एंड सेकेंड वाला में अगर कॉमन लोगे माइनस बी तो यहाँ पर माइनस ए बचेगा अच्छा इसी में ही हो जाएगा आधा का दिक्कत ए कहां से आया पर तो प्लस था माइनस ए आएगा एक बार सोचो तुम लोग मल्टीप्लाई करो चलो करते हैं, चलो चलो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं बी को तुम ए वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस बी फिर से बी को तुम माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस भी कोई बोल रहा हूं इट विल बी प्लस ए तो देखो जो था वो ही हाँ right? यही जो है इसको ही पकड़ना है हम लोगों को कि देखो अगर कोई पॉजिटिव टर्म रहा यू आर टेकिंग द नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम देयर तो वहां पर नेगेटिव हो जाएगा ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से वो पॉजिटिव आए जैसा यहां पर हुआ वहां पर क्या था प्लस ए भी था तुम वहां से निकाले b निकालते तो भी थे सही था तो माइनस बी निकाले तो b तो वैसे आ ही गया उसके साथ जब तुम माइनस निकाले तो वहां पर और एक माइनस पुट कर देना पड़ा Because अगर माइनस नहीं पुट करोगे तो वो गलत हो जाएगा द रिजल्ट एज यू कैन सी ओवीर वेन यूड यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग माइनस एगेन यू आर गेटिंग द गि वन दैट इज प्लास एवी तो ये वाला पूरा दिमाग में बिठा लो एकदम कोई दिक्कत है तो बोलो कमेंट करो मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा फिर से ओके सो दैट्स इट अभी देखो मैजिक तो आधा हो ही गया है बाद क्या खाली आधा बाकी है सो वन माइनस ए इफ यू टेक वन माइनस एज कॉमन फैक्टर इट विल जस्ट कम आउट एंड फर्स्ट में देखो एक्चुअली यहां पर वन है अगर कुछ नहीं है तो वन है दिमाग में रख लो सो फर्स्ट से वन एंड सेकेंड से माइनस भी कॉम होना जाएगा तो ये वाला मुझे कमेंट करके तुम लोग बोलो कोई दिक्कत है या भी नहीं है जो भी दिक्कत है मुझे कमेंट करके बोलो मैं बहुत कोशिश करूंगा कि तुम लोग समझ सको ये वाला और राइट सो आई होप बहुत सारे को ये समझ में आया है अगर समझ में नहीं आया तो एक बार एक काम करो तुम लोग खुद से एक बार करके देखो मल्टीप्लाई करके देखो इसको जैसे मैंने दिखाया तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा नो इश्यू विथ दैट ठीक है सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट वन नाउ Let's move to the rest of the others. That is um chalo, eight part two karte. In eight part two, what we have? Chalo fear fast forward, lick lete. So we got the sum over here. देखो इसमें अभी क्या कॉमन जाएगा बाप रे बाप ये तो मतलब तीन तो है उसके बाद भी यहाँ पर इसमें एक्स है उसमें ए भी है बाप रे बाप कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है वैसे चलो हम लोग क्या कर रहे थे दैट इज वेन एव द फोर टर्म्स वेयर गिवेन टू अस वी एक्चुअली ब्रेकिंग ऑल दोस टर्म एंड टेकिंग इन टू टू पेयर्स राइट वही तो हम किए थे तब फोर टर्म्स था अभी इतना टर्म तो है यहाँ पर अभी थ्री टर्म्स होते राइट तो चलो थ्री टर्म्स को फोर टर्म्स बनाते हैं सो क्या होगा एक्स स्क्स एक्स ए राइट देखो माइनस एक्स के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दिया फिर से सेम काम करो माइनस एक्स के साथ बी को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा दैट इज माइनस ऑफ एक्स बी एंड टू ए भी जैसा था वैसा रहने दो नो इश्यू विद राइट सो हो गया उसके बाद अभी देखो फोर टर्म्स हम लोगों का जाना पहचाना सो वॉट वी हैव टू डू पेयर निकालो भाई सो so, दोनों से पेयर निकालो सो so फर्स्ट से क्या आ जाएगा दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक फॉर एक्स वट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स दैट इज एक्स ऑनली सो वी कैन टेक आउट एक्स फ्रॉम दिस टू फर्स्ट में बचेगा एक्स सेकेंड में देखो ए तो कॉमन नहीं जाएगा कॉज एक में ए है दोनों में नहीं है सो so, ए यहां पर बैठ गया समझ में आया ये वाला पार्ट देखो x मिनिमम पॉसिबिलिटी x है तो x को कॉमन निकाला a वहां पर है बट दोनों में तो a नहीं है वट इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी फॉर a तब हो गया मतलब एक पे a टू पावर जीरो है a है ही नहीं सो so, अगर एक में भी अगर कोई भी वैल्यू uh, ना हो तो हम लोग उसको नहीं निकाल सकते दैट व्हाट वी एक्चुअली डेट ओवर हियर सो फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड लेट्स मूव टू द सेकेंड वन तो मैंने अभी सिखाया हूं माइनस तुम चाहो तो निकाल सकते हो तो देखो दोनों में एक चीज कॉमन है दैट इज बी कॉमन है दोनों में यहां पर भी बी और यहां पर भी बी तो मैं क्या करूंगा यहां पर माइनस बी को कॉमन निकाल लूंगा चलो माइनस बी तो कॉमन आ गया तो यहां पर देखो माइनस बी कॉमन आने से फर्स्ट में क्या हुआ माइनस एक्स बी था तो माइनस बी को कॉमन निकाल लिए तो एक्स बचाना यहां पर इजी इजी पे Now, one, देखो, है, मैंने अभी सिखाया अगर प्लस हो तुम अगर माइनस टर्म को कॉमन ले रहे हो सो so, वहां पर यू हैव टू पुट वन माइनस साइन दैट इज माइनस साइन अच्छा माइनस तो मेरा पहला काम हो गया सेकेंड वट यू आर टेकिंग एस कॉमन फैक्टर दैट इज बी सो बी के अलावा जो है वहां पर रख दो बस काम खत्म अभी देखो दिक्कत हो गया मेरा वहां पर टू ए भी था यहाँ पर तो टू ए बचा राइट ओ अच्छा अच्छा एक मिनट वही सोचू यहाँ पर गलती क्या हुआ है गलती हो गया चलो ठीक है कट कट ये वाला पार्ट को कट कर देना अच्छा अच्छा सो ये वाला पार्ट में टू था देखो यहाँ पर मैं जो स्किप कर दिया वहां पर नहीं देखा यही होता है फर्स्ट फॉरवर्ड करने का नतीजा सो so, यहाँ पर टू था एक देखो सो so, यहाँ पर भी टू आएगा उसके हिसाब से और इसमें भी एक टू बचेगा ठीक है तो हम लोग वहाँ पर क्या किए सो टू से मल्टीप्लाई कर दिए कहाँ पर गया सम हाँ तो हम लोग वहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दिए एक मिनट हाँ तो यहाँ पर एक टू बच जाएगा तुम्हारा So, देखो इसमें अभी सेकेंड पार्ट में तो जहां पर दोनों में टू कॉमन फैक्टर आ गया है सो वी कैन टेक आउट द टू एज अवर कॉमन फैक्टर तो फर्स्ट वाला जैसा है वैसा रहने दो सेकेंड वाला में तुम टू को भी कॉमन ले लो सो so, अभी देखो इक्वल हो गया तभी सोचो इक्वल क्यों नहीं आ रहा है भाई सो एक्स माइनस ए इज द कॉमन फैक्टर राइट तो x माइनस ए right? so, को निकाल लो और एक्स माइनस टू बी क्या बच गया एक्स माइनस टू आंसर चलो हो गया और एक लास्ट वाला करते हैं चलो नंबर थर्टीन फिर से इस पर ध्यान से लिखूंगा मैं तो फास्ट फॉरवर्ड करने से ना मतलब मेरा दिक्कत हो रहा है

एक्स्ट्रा वन स्टेप देखो सेकेंड वाला जैसा था वैसा ही है इन थर्ड वन यू कैन टेक आउट एस कॉमन देखो इन दोनों से कॉमन आएगा क्या क्या बचेगा दैट इज एक्स माइनस वन दैट इज वाट रिमेनिंग एट लास्ट सो फाइनली वाट वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम हियर लेट सी वेरी इजी वन एक्स माइनस वन पे कलर चेंज करते हैं थोड़ा चलो

होल ब्रैकेट यहां पर तुम लोग गलती करते हो मैं बहुत पेपर चेक करता हूँ उसमें ये वाला गलती बहुत बार देखा हूँ x माइनस वन डायरेक्ट तुम लोग लिख दिए नो यूज द ब्रैकेट देखो बाहर माइनस है सो वेन एवर यू विल यूटिलाइज दैट माइनस मतलब मल्टीप्लाई करोगे जब इट विल चेंज इट्स वैल्यू तो तुम लोग विदाउट ब्रैकेट पुट करते हो तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है दैट इज नॉट द करेक्ट वन ओके सो Third one x माइनस वन निकल रहे हो दैट स्टेप जो मैंने बोला का। इसी के बारे में बात कर रहा था देखो माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या मिला मुझे दैट इज माइनस एक्स प्लस वन एंड जहां पर x वन प्लस वन हो जाएगा सो so ये टू आ जाएगा चलो लास्ट वाला कर लेते हैं x minus 1 1 plus 1 will got 2 minus x plus a that's it so we got the total factorized format and we just completed 4.2 exercise and so let's discuss that what we just did today alright so in this 4 part 2 we just learn about the grouping method first of all 4 terms should be there or more than टर्म्स बट देर शुड बी पेयर मतलब चार है या फिर सिक्स है लास्ट वाला अगर इस तरीके का फोर टर्म्स सिक्स फॉर द ग्रुपिंग पार्ट जहां पर दो दो को लेकर एक साथ ग्रुप करोगे एंड फॉर एच ग्रुप यू है फैक्ट्राइजेशन मतलब कॉमन लेना सो कॉमन ले लिए तो मैजिकली देख रहे हो क्या हो रहा है दैट इज द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज गेटिंग मैच्ड विद द अदर वैल्यूज तो उसके बाद तो मतलब हाफ कंप्लीट हाफ तो बहुत ईजी है मतलब पूरा अभी कॉमन ले लो तुम्हारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट है अच्छा जहां पर मिस्टेक होता है वहां पर थोड़ा ध्यान देना दैट इज जो मैंने बोला था माइनस को जब कॉमन ले रहे हो सो बी केयरफुल इन दैट केस वेन एवर यू विल टेक द माइनस एज कॉमन अगर अंदर प्लस रहा तो वो भी माइनस हो जाएगा क्यों मैंने दिखा दिया यहां पर फिर से एक बार देख लेना समझ में नहीं आया तो और लास्ट थिंग इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड ओके दैट्स इट फॉर टुडे आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन की प्रैक्टिसिंग दिस वन वी विल मीट फॉर द फोर पॉइंट टू लेट्स